आज हमने जी आपको पता है लास्ट लेक्चर से हम रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक्स डिस्कस करते आ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस भी इसके कुछ टॉपिक से टेक्निक्स को देखा था और आज भी इसी टॉपिक को ही लेके आगे चलना है। आज हमने जो चीज़ें देखनी है उनमें सबसे पहले एक टेक्निक देखनी है, डीकम्पाइलेशन। रिवर्स इंजीनियरिंग हमने देखा था कि जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बनी हुई किसी चीज़ को, पार्ट को सेग्रीगेट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, ये तोड़ते फोड़ते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए वो कैसे काम करती है। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का काम जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग बनी हुई चीज को मजीद बेहतर बनाने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। तो जब तक आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, किसी एप्लीकेशन को, डेटाबेस को, किसी कोड को, किसी डिजाइन आर्किटेक्चर को, जब आप उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप उसके अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। तो उनमें से एक टेक्निक है जी डीकंपाइलेशन। कंपाइलेशन आपको पता है क्या होती है, क्योंकि कंपाइल आप Alt F9 C में अक्सर आप करते थे, ठीक है? और माज याद था कि कंपाइलर करता क्या था? यस सर, कंपाइल करता कंपाइल का मतलब क्या? सर। कंपाइल का मतलब होता है उसको रन करना, कंपाइल करना। यार आवाज तुम बताओ। अब्बास, अभी माइक ऑफ हो गया। अब्बास बहुत तेज है। क्यों बात याद है, कंपाइलर का पर्पस क्या है? माज तुम्हें याद हो कि Alt F9 करता था कंपाइल, अगर आप Alt F9 करते तो प्रोग्राम रन तो नहीं होता था। Alt F9 करते थे तो सिर्फ कंपाइल होता था, Ctrl F9 करते थे तो कंपाइल प्लस रन होता था। अच्छा, तो इसमें फर्क होता है सर। नहीं कंपाइल का फिर ये होगा ना, वो मर्ज कर देता होगा पूरे प्रोग्राम को सीक्वेंस में। पर कंपाइलर के डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, उनमें से एक ये भी था कि आपका जो सोर्स कोड है उसको वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता गुड हो गया था, सर। यानी कि आपके कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता था ताकि वो रन हो सके, ठीक है? सर तो किसकी बात कर रहे हैं डीकंपाइलेशन आप? उसका उलट है कि ऑलरेडी कोई एग्जीक्यूटेबल कोई चीज है, आप उसको वापस पिछली स्टेज पे लेके आए, हाई लेवल जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर, ताकि आप उसको समझ सकें। क्या ख्याल है? डिकम्पाइलेशन इज अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक एनालिसिस विच इज इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रोग्राम बाई नॉट रनिंग इट, जिसमें प्रोग्राम को आप रन नहीं करते लेकिन उसको एनालाइज करते हैं। कैसे? डिकम्पाइलर टेक्स एन एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल एंड अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस रीडेबल हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड फ्रॉम इट। कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जी फाइल या ऐसी फाइल जो कि एग्जीक्यूट हो सकती है, ये जो डीकंपाइलर सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो कि आपको ये पता है कि आप एग्जी फाइल मिसाल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वीजियो या और भी एसक्यूएल सर्वर, बहुत सारे इसकी प्रोडक्ट्स हैं, और आपको पता कि आप इनका कोड आपके पास नहीं होता, सिर्फ एग्जी फाइल होती है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोड जो है वो डेफिनेटली वो इसलिए नहीं देते कि उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ा पैसा लगा के वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो कोड आपको क्यों दें? तो इसके लिए अगर आपको आइडिया है तो इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल है कि आप इस एग्जी फाइल से कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसको कंपाइलेशन कहते हैं, या डीकंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो कि ये काम करता है। वो डिफरेंट .NET के, सी के डिफरेंट प्रोग्राम्स आप के लिए डिफरेंट डीकंपाइलर मौजूद हैं, आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो उस प्रोग्राम उस एग्जी फाइल को डालें तो उस एग्जी फाइल से दोबारा कोड बना देता है वो, तो ये बड़े काम की चीज है। तो इसलिए ये जो डीकंपाइलेशन का प्रोसेस है ये हम तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, लेकिन समटाइम ये नेगेटिव पर्पजेस के लिए भी यूज होता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है उनके कॉपी राइट्स होते हैं और आप उनका कोड जो है वो नहीं देख सकते, अपनी मर्जी से उसको यूज या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये एक नेगेटिव एक्टिविटी में भी यूज होता है कि डीकंपाइल करके किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी एग्जी फाइल को, उसका कोड जनरेट कर लें, ठीक है? लेकिन ये जो डीकंपाइलेशन है ये एग्जैक्ट वो कोड जनरेट नहीं करके देती जो बिल्कुल डेवलपर ने बनाया था, उसमें फर्क होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प होगी कि आपको काफी हद तक कोड जो है वो डेवलप हो जाए, आपको उसकी लॉजिक समझ आ जाए सारी कहानी। तो ये डीकंपाइलेशन जो है ये बेसिकली उसका रिवर्स प्रोसेस है कि आप एग्जीक्यूशन से बैक आते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल को ये डीकंपाइलेशन जो है ये वापस कोड में कन्वर्ट कर देती है, हाई लेवल कोड में। हाई लेवल का मतलब जो कि हमें समझ आता है। द आउटपुट विल इन जनरल नॉट बी द सेम एज ओरिजिनल सोर्स कोड,
ये डिकम्पाइलेशन के बाद जो कोड जो आउटपुट निकलती है, जो कोड प्रोड्यूस होता है वो आमतौर पे उस ओरिजिनल कोड जैसा तो नहीं होता लेकिन सिमिलर जरूर होता है। देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस फॉर डिकम्पाइलेशन। डिकम्पाइलेशन के बहुत सारे वजूहत हैं या रीजन है या फायदे हैं, सच एज अंडरस्टैंडिंग अ प्रोग्राम। आमतौर पे अगर आपको कोड अवेलेबल नहीं है तो आप डीकंपाइल करके उसका कोड चेक कर लेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए उस कोड को, अंडरस्टैंड करेंगे तो री इंजीनियर करेंगे उसको। रिकवरिंग द सोर्स कोड फॉर पर्पज ऑफ आर्काइविंग, बाज का आप उसका कोड जो है उसको स्टोर करना चाहें, सेव करना चाहें, आपके पास सिर्फ एक्जी फाइल है, एक्सीडेंटली आपसे कोड लॉस हो जाए, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, एक्जी फाइल बन गई, अब एक्जी फाइल बची है लेकिन कोड उसका कहीं आपसे डिलीट हो गया, खो गया है, तो फिर आप डीकम्पाइल उस एक्जी फाइल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे और भी पर्पसेस हैं, तो इसके लिए ये लास्ट में लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ कि जो डीकंपाइलर हैं यूज होते हैं मार्केट के अंदर वो कौन कौन से हैं, उनकी एक दो एग्जांपल मैंने दी हैं कि डॉट पीक डीकंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो कि डॉट नेट की अगर एक्जी फाइल है तो उससे आपको सोर्स को जनरेट कर देता है। इसी तरीके से हेक्सरेज वो प्रोग्राम है डीकंपाइलर जो कि सी और सी प्लस प्लस की अगर फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं तो उनकी मदद से सी या सी प्लस प्लस का कोड जो है वो जनरेट कर देगा आपको। कंपाइलेशन का प्रोसेस है जी कि डीकंपाइलेशन कैसे होती है, जबकि ये जो प्रोसेस है ये टू वे है, टॉप से बॉटम और बॉटम से अप। जी माज क्या कह रहे हो? सर नहीं कुछ नहीं मैंने। डीकम्पाइलेशन का प्रोसेस जो है जो आपको पता है कि सबसे पहले कंपाइलर है, कंपाइलर आपको पता है कि जो टॉप टू बॉटम जो प्रोसीजर है उसके तहत चलता है कि आपका हाई लेवल प्रोग्राम है और उसका आपने कंपाइल करते हैं जो बैकएंड तक मशीन कोड तक उसका जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, और वापस डीकम्पाइलेशन जो है उसका रिवर्स है। कि आमतौर पर आपको पता है कि जो एसडीएलसी के अंदर प्रोसेस चलता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट आता है किसी प्रोसेस का, उसकी रिक्वायरमेंट आती है, डिजाइन बनता है, उसका कोड जनरेट होता है, और कोड जो है अगर तक कंपाइलर उसको कंपाइल कर रहा है तो डायरेक्टली वो मशीन कोड के अंदर जनरेट कर देगा, लेकिन अगर असेंबलर यूज करें तो असेंबलर पहले उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से ये काम फिर रिवर्स भी होता है कि अगर आप असेंबलर के थ्रू डी असेंबल कर रहे हैं उसको तो पहले वो असेंबली को मशीन कोड जो है वो असेंबली में आएगा और फिर वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट होगा, और अगर डी कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो डी कंपाइलर डायरेक्टली इस कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कि फॉरवर्ड टू बॉटम कंपाइलेशन और बॉटम टू टॉप जो है ये डी कंपाइलेशन कहलाती है। दूसरा हमारा टॉपिक है डेटा रिवर्स इंजीनियरिंग। हमने ये देखा कि हम एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, यानी कि किसी कोड को हम उसको स्प्लिट अप करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम उसके इंटरनल वर्किंग को समझ सकें, और इंटरनल वर्किंग को हम समझेंगे तो हमें अगली कहानी पता चलेगी कि अब ये वर्किंग कैसे हो रही है और उसकी बिना पे हम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशन जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उन चीज़ों को समझ के उसके अंदर अपडेशंस करेंगे और उस सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। ये हमारा जो मेन कोर्स है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। आपको पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को स्प्लिट अप करके, सेग्रीगेट करके, डिवाइड करके एनालाइज करते हैं और फिर उसको समझ के उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसको बेहतर बनाते हैं। तो सोर्स कोड को तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने डिफरेंट टेक्निक से इस तरह की चीजें देख ली पिछले लेक्चर से ऑनवर्ड, लेकिन मसला यह है कि एक डेटाबेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको भी तो रिवर्स करना चाहिए या उसकी भी तो रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। समटाइम जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं उनके पीछे कंप्लेक्स डेटाबेस अटैच होती हैं, तो बड़ी डेटाबेस जो है उसको भी जब तक खंगाला ना जाए, एनालाइज ना किया जाए, उसके अंदर घुस के उसको स्प्लिट अप या डिवाइड करके ना देखा जाए, तब तक जनाब आइडिया नहीं होता कि ये डेटाबेस क्या है और ये कैसे काम कर रही है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इसको कैसे स्प्लिट अप किया जाए, वो कैसे किया जाएगा, तो उसके बाद फिर हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज हमने डाटा रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में देखना है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हमने कोडिंग वगैरह को तो देख लिया, अब डेटाबेस का भी देखते हैं। डेटाबेस रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस थ्रू आउट विच द लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीमाज ऑफ अ लेगेसी डेटाबेस और ऑफ अ सेट ऑफ फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। हम क्या करते हैं कि डेटाबेस को जो किसी भी सिस्टम के साथ अटैच है, जो उसके साथ इनहेरिट हुई होती है, हमें साथ मिलती है उसके, तो उसको हम देखते हैं उसके इंटरनल डिटेल के, ये जो डेटाबेस है ये कैसे इंप्लीमेंट हुई हुई है।
जब हम डिजाइन बनाते हैं किसी भी डेटाबेस का, माज अगर आपने कभी डेटाबेस का डिजाइन बनाया हो या डेटाबेस बनाई हो, तो डेटाबेस का डिजाइन जो है वो क्या कहलाता है? एक तो डेटाबेस है ना, मतलब एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपने डेटाबेस बनाई या माई सीक्वल या एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाई, जो इसमें फिजिकली आपको नजर आ रहा था कि कौन सी टेबल्स हैं उसके अंदर कौन सी फील्ड्स हैं। लेकिन अगर इस डेटाबेस का डिजाइन बनाया जाए तो उस डिजाइन को क्या कहा जाता है? किसको आइडिया है? सर किस डिजाइन को? सर डेटाबेस का डिजाइन स्कीमा कहते हैं उसे। वेरी गुड जी, बिल्कुल स्कीमा कहते हैं। जो स्कीमा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटाबेस की, जिसमें आप पिक्टोरियली या ग्राफिकली या पिक्चर की सूरत में जरा ड्रॉ करके देखते हैं कि डेटाबेस कैसी होगी, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होंगे, और फिर उस स्कीमा को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बाज का तो आपने देखा होगा कि आप सिंपली एसक्यूएल सर्वर के अंदर या किसी और के अंदर आप टूल के अंदर डेटाबेस बनाएं तो उसका स्कीमा खुद ही वो जनरेट कर देता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ कर देता है और उसमें दिखाता है कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। ठीक है, और वो एक पूरी तस्वीर, एक वन पेज होती है जिसके अंदर वो सारी कहानी दर्ज होती है कि जनाब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है या होगा। ये मैं अगर आपको दिखा पाऊं, जी इसके अंदर मैं वो आपको स्कीमा के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। और ये जो रिसेंटली अभी कल ही मैंने टास्क अचीव सबमिट किया है, ये यूएई का कोई स्टूडेंट है, उसका ये थीसिस है जो कि कल ही बनाया है मैंने, तो इसमें वो सारा कुछ है। अगर मैं आपको ये देखें जो अभी मैं बात कर रहा था उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसके अंदर सारी ये डॉक्यूमेंटेशन है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है सारा, उसका डाटा फ्लो डायग्राम्स, उसकी यूज केस डायग्राम्स उस सिस्टम की। ये बेसिकली उस स्टूडेंट ने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें उसने मोबाइल ऐप बनाई थी, मोबाइल ऐप की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिर मैंने उसको बना के दी है, सीक्वेंस डायग्राम्स, और ये है वो स्कीमा। ये अगर आप देख पाएं तो इसमें ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जनाब आपके डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो क्या क्या होंगी और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगी, और वो सारी जो उसके रिलेशंस हैं, उसकी फील्ड्स हैं। ये शायद आपको इतना वो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर थी तो उसको कंप्रेस किया तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी खराब हो गई है। तो इस तरह आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं डेटाबेस को ताकि उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये जो चीज़ है, ये जो ग्राफ है, ये पिक्चर है, ये उसका स्कीमा कहलाती है बेसिकली। तो हम स्कीमा की मदद से मोस्टली जो डाटा रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो कोई भी एप्लीकेशन है वो कैसे काम करती है, उसके जो पीछे बैक एंड पे जो डेटाबेस है वो किन किन कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है। टू वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस आर, इसके जो दो एस्पेक्ट हैं, या डाटा रिवर्स इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं, रिकवर डाटा एसेट्स दैट आर वैल्यूएबल। एक तो हम देखना चाहें कि जो भी उस डेटाबेस के अंदर एसेट्स हैं, है क्या क्या उसके अंदर डाटा है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं। एक तो है डाटा जो उसके अंदर स्टोर है, जो काम की चीज है किसी भी डेटाबेस के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी आपकी एफर्ट्स होती हैं जो कि उसके अंदर सेव होती हैं, जो कि आपको वक्त के साथ बाद में भी यूज करनी पड़ सकती हैं या आप रीयूज करते हैं। वो जो बाकी एसेट्स हैं उसके डेटाबेस के, उनके अंदर व्यूज हो सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर हो सकते हैं, जो कि आपने क्रिएट किए हों उस डेटाबेस की मदद से, और आप वो क्रिएट करके रख लेते हैं और फ्यूचर में उनको बार बार यूज करते रहते हैं। ये मैंने शायद किसी से आपसे क्वेश्चन पूछा था मास। एक तो होता है कि आप जब डेटाबेस बनाते हैं, क्वेरी लिखते हैं, तो आप डेटा को रिट्रीव करते हैं उससे। मिसाल के तौर पर आपने लिखा स्टैटिक फ्रॉम टेबल ABC और उसके अंदर जितने भी फील्ड्स थी सारी आपने सेलेक्ट कर ली, मास याद है ना क्वेरी बेसिक सी? सर किसकी डेटाबेस की? हाँ, सिंपल सी क्वेरी जो आप लिखते थे कभी, सबसे बेसिक, जैसे आप लिखते थे सेलेक्ट स्टैटिक यस फ्रॉम टेबल नेम, याद है? सर उसका टेबल नेम वगैरह जो लिखते थे।
हाँ कि किसी भी टेबल से अगर आपने सर कोई क्या? सारा रिकॉर्ड चेक उठाना है, शो करना है, तो आप लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम देते थे और सारा डाटा जो है आपके सामने शो हो जाता था। ये यस किया था सर, काम? यस सर किया। अच्छा, अभी जो लोग बैठे हैं इनमें से डेवलपर है कोई? सर इनमें से तो सीफ है सर, और उमर है, उमर मेरा बल्कि एस भी है सर। उमर अवैस की तरह, अवैस अरे बैठे ही नहीं है ना। अब उमर को ये अच्छा ना कह है देना कि उमर नजर, के अब्बू जो है नेट स्टोर के मालिक हैं। अवैस नजर ही नहीं आ रहा, वो नीचे होके बैठा। नहीं अवैस है, भी हो गए अवैस बैठते तो सर नजर नहीं आता। ये अब्बास चला गया मेरा ख्याल। अवैस याद है कि एक तो हम सिंपल क्वेरी लिखते थे डेटाबेस में डाटा को एक्सेस करने के लिए या शो करने के लिए, एक हम स्टोर प्रोसीजर लिखते थे। किसी को आइडिया है स्टोर प्रोसीजर क्या था? सारे आइटम वगैरह स्टोर करने के लिए जिस तरह कोई पहले कोई उमर दोबारा चीज बताओ। था हर कोई भी चीज मतलब स्टोर करने के लिए कोई आइटम जिस तरह के स्टोर में डेटाबेस लगी हो तो वो अपनी प्रोडक्ट को सेव करने के लिए कोड वगैरह को वो। नहीं कहीं पढ़ा है कि तुक्का लगा रहे हो उमर? सर इसकी आदत है, एम ही बता बोलता रहता है। रहा हूँ बाकी आप खुद देख लें सही है कि नहीं। अच्छा ये हम नहीं देखना, फिर तुम्हारा क्या फायदा, क्या फायदा 3 साल डिग्री का। अवैस किधर जी गया? सर, अवैस, अवैस को जी सर, आइडिया है स्टोर जी प्रोसीजर सर। का? स्टोर प्रोसीजर, जी सर, ये हम क्या नाम है, जब हम डायरेक्टली डेटाबेस में डाटा ही चेंज करते हैं, फ्रंट एंड में हम एक स्टोर बना लेते हैं, उसमें से हम डाटा चेंज होता रहता है और वो फिर खुद ही उस बैक एंड में से डेटाबेस में से वो चेंज करता रहता है। है ये तुम लोग तो क्या ये लगा सही रहे हो है कि सर, मेरा ही नॉलेज खराब है? यही वाला स्टोर आप पूछ रहे हैं, है यही वाला स्टोर आप पूछ रहे हैं। मैंने कहा सर उससे पहले कि आपका नॉलेज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो पहले आप बता दीजिए। भैया ये मैं यही तल्ला करने लगा था कि यार जी मेरा नॉलेज तो पहले पूरा पूरा है, तुम्हारी मेहरबानी जो है वो ही ना खराब कर देना। स्टोर पर आमतौर पर जी एक तो हम सर, क्वेरी लिखते हैं ना जिसमें डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है कि जनाब फलां टेबल है उसके अंदर से ये डाटा उठा दो। जैसे सिंपल मैंने एग्जांपल दी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल एबीसी, तो उस एबीसी के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं जी उनका सर, तमाम ये का डायरेक्ट डाटा हम तो शो चेंज हो करते हैं जाएगा। इसमें से। ये सबसे सिंपल तरीन काम है जब आप क्वेरी करते हैं डाटा, ठीक है। लेकिन इसका एक अल्टरनेट है स्टोर प्रोसीजर। क्वेरी के अंदर क्या होता है कि जब भी आप क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरी हर दफा कंपाइल होगी, कंपाइल होने के बाद फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। लेकिन अब आप एक दफा आप क्या करते हैं कि समटाइम जब आपने कोई कंप्लेक्स डाटा उठाना हो, मुख्तलिफ फील्ड से बना के एक रिपोर्ट जनरेट करनी हो, तो एक बड़ी क्वेरी आप लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ी क्वेरी जो है वो लिखने में बार बार एक तो टाइम लगेगा, दूसरा है कि जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो कंपाइल होने में भी टाइम लेगी, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि आप एक क्वेरी लिख के उसको एक नाम के साथ सेव कर लेते हैं, ठीक है। वो सेव करने का तरीका क्या है उसके अंदर आप मेंशन करते हो, सिंटैक्स है, तो वो क्वेरी आपकी एक नाम से सेव हो जाती है, उसको कहते हैं स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। तो वो क्या सर है, मैंने भी वो जो क्वेरी है वो एक नाम से आप सेव करके रख लेते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और उसको कॉल करते हैं सिंपल। तो फिर वो क्योंकि प्री कंपाइल्ड होती है वो कंपाइलेशन में टाइम नहीं लेती और इस तरीके से आपका सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाता है। तो ये स्टोर प्रोसीजर जो है ये एक किस्म का सिस्टम को फास्ट करने का भी एक टेक्निक है, ठीक है जी। तो इसमें कंपाइलेशन का फर्क है कि जो आम क्वेरी है वो जनाब सिंपली पहले कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, जबकि जो स्टोर प्रोसीजर है वो एक दफा कंपाइल हो जाता है बस, बार बार कंपाइल नहीं होता और आपका सिस्टम बड़ा फास्ट हो जाता है। ये ऐसे ही मेरे जहन में एक पॉइंट आया था और मैंने कहा जरा मैं चेक करूं कि जनाब मेरे जो बच्चे हैं स्टूडेंट जो जी, मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही देख रहा था कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों के जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरह के हैं, क्योंकि हम डेटाबेस री इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए अचानक एक पॉइंट मेरे जहन में आया ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट में जाने वाले हैं तो उनकी बेस कैसी है डेटाबेस की। तो हम देख रहे थे कि दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो डेटाबेस है उसको री इंजीनियर किया जाता है या डाटा को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है, पहले रिकवर डेटा
एसेट्स सबसे पहले जो डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है उसके जो जितने भी एसेट्स हैं उनको देखना, परखना, एनालाइज करना, रिकवर करना, और उसके बाद फिर रिकंस्टिट्यूट करना जो अपडेटेड वर्जन है उसका। क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, और रिवर्स इंजीनियरिंग हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो जब तक हम उसको समझते नहीं या अंडरस्टैंड नहीं करते तो रिवर्स इंजीनियर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी में भी हम दो प्रोसेस से गुजरते हैं। एक तो पहले हम सबसे पहले उसको रिकवर करके देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल हैं, एक डेटाबेस किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। मसलन उसके अंदर क्वेरीज होंगी डेफिनेटली, जो जिनकी मदद से वो डेटाबेस बनी है, व्यूज होंगे, स्टोर प्रोसीजर होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, टेबल्स वगैरह। तो सबका आइडिया होगा तो फिर ही हम एक उसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो बना पाएंगे। इन प्रैक्टिस द पर्पस ऑफ डेटा रिवर्स इंजीनियरिंग इज एज फॉलोज। डेटा रिवर्स इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट रीजंस हैं या पर्पसेस हैं उनमें से एक चीज है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है कि नॉलेज हासिल करना। नॉलेज एक्विजिशन इज अ मेथड ऑफ लर्निंग। इसका मतलब कि आप सिंपल जो रिवर्स इंजीनियरिंग का काम है, डेटा रिवर्स इंजीनियरिंग, वो सिंपल उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप करें, उसका नॉलेज हासिल करने के लिए कि डेटाबेस है क्या, कैसे काम कर रही है, किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। दूसरा उसका फायदा जी टेंटेटिव रिक्वायरमेंट्स, कि आपने कोई रिक्वायरमेंट्स तैयार करनी है नए सिस्टम के लिए, अपग्रेडेड सिस्टम के लिए या अपग्रेडेड डेटाबेस के लिए, तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट्स रेडी करने की ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नया सिस्टम जो है वो क्या होगा उसके अंदर। तो जब तक आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम का नहीं पता तो नया उसका अपग्रेडेड वर्जन या नया वर्जन कैसे बन सकता है, ये बना सकते हैं आप। तो दूसरा फायदा है कि आप उस जो नया सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने रेडी करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो डेटाबेस है उसको एनालाइज करते हैं या रिवर्स इंजीनियर करते हैं। तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जब एक डेटाबेस री इंजीनियर होगी या सिस्टम री इंजीनियर होगा तो उससे रेलिवेंट जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो भी तो री इंजीनियर होंगी, जिन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी कहानी मौजूद है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इसका डिजाइन क्या था, इसके टेस्ट केसेस क्या थे, वो सारी कहानी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन है। तो अगर आपने सिस्टम चेंज करना है तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और अगर सिस्टम चेंज होगा तो डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होगी। तीसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना किसी भी चीज को, कोई दो चीजों को या एक से ज्यादा चीजों को, इसका मतलब उनको मिलाना या लॉजिकली कनेक्ट करना या फिजिकली कनेक्ट करना, ठीक है। और आमतौर पे आपको पता है कि आप सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, या उनको कंपोनेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं, और एट द एंड जब वो कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट डेवलप हो जाते हैं तो फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको चेक करते हैं कि क्या ये कंपोनेंट्स आपस में मिलके अब ठीक काम कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो हसीब याद है कि वो टेस्टिंग कौन सी होती है? सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वेरी गुड, नाम से जाहिर है जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही होगी, जिसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के फिर देखते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है ओवरऑल किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए, मिसाल के तौर पे एडमिशन का, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट की फीस सबमिशन का, या एग्जाम का, एग्जाम कंडक्ट का, या इसके अलावा रिजल्ट जनरेशन का। ये पांच छह आपने कंपोनेंट बनाए अलग अलग, ठीक है। बना के फिर जब उसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो तब जोड़ के वो कंप्लीट होकर पूरा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। तो उससे पहले टेस्टिंग करना जरूरी है कि तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलके सही काम कर रहे हैं, वो सही काम करेंगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, वरना तो अलग अलग कंपोनेंट ही रहेंगे। तो फिर उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज होती है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जस्ट इस वर्ड से मुझे याद आया कि इंटीग्रेशन जो है वो आप मिसाल के तौर पे चीज़ों को जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए भी समटाइम आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा जो है वो कैसे काम कर रहा है। क्योंकि जो बाहर कंपोनेंट्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे लेकिन पीछे डेटाबेस तो एक ही होगी ना। तो डेटाबेस जो है वो मिसाल के तौर पे वो किन किन आगे कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर रही है, वो सारी कहानी समझने के लिए भी डेटाबेस को देखना पड़ेगा। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। एज डेटा आर इंक्रीजिंगली यूज एज इंफॉर्मेशन, द डेटा ओनर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इजिली एंड प्रैग्मेटिकली। जो डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अब प्रोग्रामर जो है वो तो बहुत सारे काम करता है डेवलप करने के हवाले से, जो उसका एंड यूजर है वो जस्ट उसको यूज करेगा, डाटा डालेगा, उठाएगा, चेंज करेगा, डिलीट करेगा। लेकिन कुछ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के भी टास्क होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जो कि इस डेवलपर या एंड यूजर के अलावा होते हैं। तो आइडिया है कि डीबीए क्या करता है डेटाबेस के साथ?
या डीबीए का क्या रोल होता है, किसी को पता है? ये मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि डीबीए जो है एक बहुत अच्छी फील्ड है, अगर कोई बंदा समझता है कि वो प्रोग्रामर नहीं बन सकता, उसकी डेवलपमेंट के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। और ये जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या बड़ी फैक्ट्रीज हैं या नादरा या इस तरह के बड़े ऑफिस हैं, नादरा और रेलवे वगैरह, इन सब के अंदर ओरेकल यूज हो रही है, ठीक है। ईआरपी सिस्टम्स हैं तो इनके पीछे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक डीबीए बन जाएं, तो ये भी है कि डीबीए जो है वो, क्योंकि ओरेकल जो है वो रोज रोज चेंज नहीं होती, एक बहुत बड़ी एक एंटरप्राइज एक एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन रोज रोज नहीं होती। अगर आप एक दफा एक्सपर्ट बन जाएं इसके, तो फिर सुकून से बैठ के खाएंगे आप, और उसकी सैलरियां भी बड़ी होती हैं डीबीए की, ठीक है। तो ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जनाब आप डेवलपर के अलावा, डिजाइनर के अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आमतौर पे उसका जो टास्क होता है वो डेटाबेस का बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना, उसकी मेंटेनेंस करना, जो सिस्टम चल रहा है मेंटेनेंस का मतलब अगर कोई इश्यू है तो उसको रिजॉल्व करना। और आमतौर पर जो डीबीए है वो कोई नई चीज नहीं बनाता, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को मेंटेन करता है, या उसकी मेंटेनेंस करता है, या उसका ख्याल रखने के लिए बेसिकली एक पर्पज होता है, बंदा होता है। तो अगर आपने डेटाबेस का बैकअप लेना है, उसको रिस्टोर करना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि डेटाबेस जो है किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, किस किस्म का डाटा है, किस डोमेन के रेलिवेंट डाटा है, वो सारी कहानी आपको खंगालनी पड़ेगी। और जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा डाटा कन्वर्जेंस, बाज का आप डाटा जो है उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आप आमतौर पर डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो तो आपको पता, टेक्स्ट या नंबर के सूरत में डाटा सेव होता है, लेकिन उस टेक्स्ट या नंबर्स को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। क्यों जी हसीब साहब, को आइडिया है? यस सर। मसलन एक मैंने, मेरे पास ये जैसी स्लाइड लिखी हुई है, जो सामने आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट होगा, इसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे या कुछ कैरेक्टर्स होंगे, तो मैं किसको किस और किसी और किस फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ, को आइडिया है? डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस में तो करोगे, वो तो इसका फॉर्मेट है ना स्टोर करने का। इस उठा को इस टेक्स्ट को जो कि मैंने एक स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसको उठा के आप डेटाबेस के अंदर डाल देंगे, स्टोर कर देंगे, वहां पे भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही सेव होगा ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है। हो कैसे और कौन सा फॉर्मेट? सकता है वर्डिंग का मतलब कि आप कह रहे हैं ना वर्ड चेंज करने का फॉर्मेट। ये टेक्स्ट है मेरे पास, ये डेटा है मेरा, ठीक है, ये डेटा है, और इसको मैंने अल्फाबेट्स की सूरत में लिखा हुआ है, रिटन फॉर्मेट में है। मैं इसका फॉर्मेट जो है, जो लिखा हुआ है, इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं? माज तुम ही बताओगे। हसीब साहब, बहुत सारी डेटा टाइप्स आपके जिंदगी के इर्द गिर्द मौजूद हैं, डेली लाइफ में आप देखते हैं, सुनते हैं, यूज करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो आइडिया है कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं? कोई बंदा? लड़कियों तुम बताओ कि डेली लाइफ में कौन कौन सी डेटा टाइप्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, डेली लाइफ में? कोई बंदा बताए तो फिर हम आगे चलें। ये अब जब तक आगे नहीं बताओगे मैंने चलना कोई नहीं आगे।
सर ये तो बच्चे ने पूरा लाइब्रेरी वाला मॉल बनाया हुआ है। क्या मतलब? साइलेंट। हाँ साइलेंट क्या है, गन पॉइंट वाला मॉल है बिल्कुल। लाइब्रेरी फिल्म देख के कह रहे सर मेरी आवाज नहीं आ रही। मास तुम ही बताओ सर, पूछे हुक्म कर रहे हैं, मैं तो तैयार हूँ। कि आपके डेली लाइफ में डेटा किन किन फॉर्मेट्स में आपको नजर आता है या मिलता है? सर डेली लाइफ के अंदर जो डेटा है ना वो आपको मिलता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। सर फॉर एग्जांपल जैसे अगर कैलेंडर हो गया हमारा, ये भी एक डेटा की फॉर्म है। ठीक है। और आपका जो टाइम टेबल होता है किसी ऑफिस वगैरह का। अच्छा वो तो बड़े दूर की सोच रहे हो। वैसे मैं इतनी दूर की क्वेश्चन मैंने किया नहीं है। कितनी के पास करीब का क्वेश्चन था? हाँ मैंने बड़ा इसे इसके जैसे बहुत सिंपल सा सवाल किया कि रोजमर्रा जिंदगी में आपको अपने रोजमर्रा जिंदगी में इर्द गिर्द सराउंडिंग में डेटा किस किस फॉर्मेट में मिलता है? सर एक लाइफ स्ट्रीमिंग के एक स्टोर शुदा डेटा जिस तरह कोई प्रोग्राम चल रहा है टीवी में। यस सर, न्यूज़पेपर्स, मोबाइल ऐप, जीपीएस, ऑनलाइन जो भी ऐप्स होती हैं। यार सिंपल सी बात है कि एक डाटा या तो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिलता है, रिटन फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपके जिंदगी में मौजूद हैं। आप फॉर्मेट बोला था मुझे जरा मेरा ध्यान ही और चला गया। तुम फॉर्मेट तो है, तुम तो कहीं आ गए की सोच रहे हो। मैं तो इतना दूर का सवाल नहीं किया, मतलब बड़ा सिंपल सा सवाल किया है। रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप बाहर सड़क पर निकले तो आपको या तो कुछ सुनने में चीजें मिलेंगी या पढ़ने में चीजें मिलेंगी या देखने में मिलेंगी, और देखने वाली जो है वीडियो के फॉर्मेट में भी मिलती हैं, तस्वीर के फॉर्मेट में भी मिलती हैं, कोई ग्राफ के फॉर्मेट में, कोई पाई चार्ट, कोई बार ग्राफ, कोई इस तरीके से, ऐसे ही है। तो अगर डेटा कन्वर्ट करना हो तो फिर कन्वर्जन के लिए आपको उस डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये हम कन्वर्जन से के पॉइंट से ये डिस्कशन लेके आगे चल रहे थे कि अगर डेटाबेस के अंदर मिसाल के तौर पे एक चीज मौजूद है, कोई मिसाल के तौर पे कुछ डेटा मौजूद है नंबर के फॉर्मेट में, तो क्या उसको ऑडियो के फॉर्मेट में बताया जा सकता है कि ये डेटा क्या है? यस सर, बताया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे उमर आपको अपनी वेबसाइट पे, अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप रिजल्ट कार्ड अपना देखते हैं तो वहां रिजल्ट कार्ड आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिलता है कि मिसाल के तौर पर ये कोर्स नाम है, कोर्स का नाम है, उसका ये कोड है, उसके ये मार्क्स हैं, उसका ये जीपीए है, ग्रेड है, परसेंटेज है, और फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथा सब्जेक्ट और छह सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट रिटन फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में मिलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जनाब ये जो रिजल्ट कार्ड आप वहां पे देखते हैं, वहां पे एक बटन लिखा बना हो, वहां प्रेस करें तो आपको वही जो रिजल्ट कार्ड रिटन फॉर्मेट में मिल रहा है वो ऑडियो के फॉर्मेट में आपको सुनाया जाए, सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर दे? यस सर, हो सकता है। जैसे बिल्कुल ऑडियो अनाउंसमेंट्स होती हैं रेलवे स्टेशन पे या इस तरह डिफरेंट लोकेशंस पे, फोन पे भी आपको पता है कि फोन पे जो है वो बात का आ रहा होता है कि जनाब अगर जैसे वो आपको सिंपल कह रहा होता है कंप्यूटर आगे से कि आपका मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मतलूबा नंबर की बजाय क्या वो नंबर बोल के बता सकती है वो आवाज जो है? सर बता सकते, इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह न्यूज चल रही होती है उसकी उसके दरमियान ना किसी जगह में न्यूज के वो बता रहे होते हैं जो आवाज नहीं सुन सकते, वो इशारों से बता रहे होते हैं न्यूज में, वो भी तो सर इसी में आएगा ना? डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बिल्कुल वो भी एक फॉर्मेट है कि आप इशारों की या साइंस की मदद से आप समझा रहे हो किसी को, डाटा को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो डाटा कन्वर्जन जो है वो भी पॉसिबल है कि जनाब आपने डाटा को एक फॉर्मेट के अंदर दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको पता है कि डाटा जो है वो नंबर्स की सूरत में या आपके जो मिसाल के तौर पे आपके मार्क्स हैं उनका ग्राफ भी तो बनाया जा सकता है, और बार ग्राफ जो है वो आपको पता है कि जो उसके बार्स की जो हाइट है वो नंबर्स को शो करे, और ये उसको आप अंदाजा लगाएं कि जनाब मेरा जो किस सब्जेक्ट के कौन से कितने मार्क्स हैं, ठीक है।
या आपको वहां पे ऑप्शन नजर आए वेबसाइट पे कि जनाब आप क्या आप अपने इस रिजल्ट कार्ड को ग्राफ की सूरत में देखना चाहेंगे, ऑडियो के फॉर्मेट में सुनना चाहेंगे या टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखना चाहेंगे, तो ये सारे काम पॉसिबल हैं। क्या ख्याल है? सर इसकी एक एग्जांपल ये है कि क्रिकेट मैच जो चल रहा होता है लाइव उसमें सारा कुछ बता रहे होते हैं और स्कोर भी बता रहे होते हैं, बॉल के भी बता रहे होते हैं सर। एक तो कमेंट्री हो रही होती है, ठीक है, साथ साथ वो ग्राफिकली भी सम टाइम नजर आ रहा होता है, जैसे वो आपको नजर पता हो कि जैसे सम टाइम जब नंबर की सूरत में बताते हैं, पर ओवर की सूरत में, इस तरह सर मतलब कि वो वर्डिंग में भी बता रहे हैं और नंबर में ग्राफ भी आ रहा होता है साथ साथ, ठीक है। जब प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा होता है कि जनाब अभी 15 ओवर में इतना स्कोर, 15 इतनी विकेटें गिर गई हैं, तो 29 ओवर्स के बाद अंदाजन स्कोर कितना हो सकता है, प्रोजेक्टेड स्कोर जिसको कहते हैं। ये सम टाइम आपको पता है कि जैसे वो करते हैं एज निकलता है बॉल का बैट के साथ, जो जो है अंपायर वो अंदाजा नहीं लगा पाता कि एज था कि ना नहीं था, तो उसको ग्राफिकली आपको पता है कि वो शो करके दिखाते हैं कि एज है कि नहीं है। तो अब क्या करें कि वो डिफरेंट तरह के जो डाटा है, अब क्या है कि वो जो उसको जो साउंड है हल्की सी वो भी उसमें नजर आ रही होती है, नजर के सुनने में आ रही होती है कि जनाब एज है कि नहीं है, यानी कि डाटा की कन्वर्जन जो है वो बहुत ही फैसिलिटेट करती है आपको कोई डिसीजन लेने में या चीजों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा एक ऐसे पॉइंट था जिससे हम डेली लाइफ की डिस्कशन में चले गए, ताकि आपको पता हो कि डाटा की कन्वर्जन जो है वो क्या होती है या डाटा किन किन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर असेसमेंट, बाज़कत आप सॉफ्टवेयर को, करंट सॉफ्टवेयर को असेस करना चाहते हैं कि जनाब करंटली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या है। असेसमेंट का मतलब कि उसका जायजा लेना, उसको एनालाइज करना, उसको जज करना कि वो कितने पानी में है, कहाँ कहाँ खड़ा है कोई चीज, ठीक है। तो आपको पता है डेटाबेस की एक डाटा कैटलॉग होती है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि जनाब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इस डेटाबेस के अंदर उसके अंदर टेबल्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल रिपोजिटरीज के अंदर टेबल हैं, व्यूज हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हैं, वो सारी कहानी स्कीमा वगैरह के अंदर जो जो कुछ है वो सारी कहानी जो है उस कैटलॉग के अंदर मौजूद है। तो आप उस सिस्टम को उस कैटलॉग की मदद से भी असेस कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डेटाबेस के अंदर है क्या। ये हम देख रहे थे कि रीजंस के किन बिना पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं या रिवर्स करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी असेसमेंट, कि किसी भी सिस्टम की, किसी डेटाबेस की क्वालिटी चेक करने के लिए कि वो डेटाबेस कितनी क्वालिटी की है। अब ये एक नया पंगा है कि डेटाबेस क्वालिटी की भी होती है। एक डेटाबेस की क्वालिटी कैसे जज होगी? एक मैंने डेटाबेस बनाई, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया, ठीक है, या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, या लाइब्रेरी मैंने में सिस्टम सिंपल सा ले लेते हैं जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रखी कि उसमें किताबों की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है जिन्होंने किताबें इशू करानी है, इसके अलावा उनका फाइन जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो स्कीमा है, ये डेटाबेस है, ये क्वालिटी की है कि नहीं है? कौन सा फैक्टर है जिसकी बिना पे मैं चेक कर पाऊंगा? सर उसके रन करने पे मतलब रिजल्ट कितनी देर में शो करवाएगा, परफॉर्मेंस। उम्र तुम्हारा मतलब है कि अगर परफॉर्मेंस यानी कि क्वेरी की एग्जीक्यूशन फास्ट है तो डेटाबेस क्वालिटी की है। यस सर, ये मतलब कि किस तरह वो चल, फास्ट चल रही है कि नहीं चल रही, स्लो चल रही है, इससे परफॉर्मेंस तेज, ठीक है, एक चीज हो गई। और जी सर आज माज नहीं बोल रहा, माज का मसला है कि माज एक्चुअली मुझे दो क्लासों में जवाब देता है, एक इसमें और एक एसडीए में, इसलिए वो अपने नॉलेज जो है ना उसको जरा संभाल के रख रहा है। सर वो आपको पता है मैं शर्माता नहीं, जो भी जवाब आता है मैं दे देता हूँ। हाँ ये अच्छी हैबिट है, ये कम से कम मतलब बोले तो सही ना। सर ये इन्होंने सुबह मेरी दो एब्सेंट लगवा दी है, क्लास सिलेबस बहुत बुरे हैं। अब बात चला गया ना, बात गायब है, बस सर इसकी एब्सेंट लगानी है। जब चलो खैर हम क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं और आगे चलते हैं। क्वालिटी असेसमेंट हम देख रहे थे, मैंने जस्ट ये पूछा था कि एक क्वालिटी डेटाबेस जो है वो
क्या हो सकती है। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके अंदर दो तीन टेबल्स का बताया और आपसे पूछा कि जनाब क्या ये क्वालिटी की डेटाबेस है या नहीं है, या मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि ये जो मैंने डेटाबेस बनाई है जो क्वालिटी की है कि नहीं है। एक तो अभी उमर ने जवाब दिया कि जनाब अगर उसमें से डाटा रिट्रीवल जो है वो फास्ट है तो हम कह सकते हैं ये क्वालिटी की डेटाबेस है, लेकिन ये जस्ट एक फैक्टर काफी नहीं है, और भी काफी चीजें हैं जो कि डेटाबेस के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, और वो आपको याद होगा एक हम नॉर्मलाइजेशन का भी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन भी एक काम होता है जो कि बेसिकली डेटाबेस की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए ही किया जाता है। तो उसके जो दो आस्पेक्ट थे उस नॉर्मलाइजेशन के, अगर डाटा के अंदर डुप्लीकेशन हो रही है डेटाबेस के अंदर तो इसका मतलब डेटाबेस क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। जगह जगह बार बार डाटा रिपीट हो रहा है, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट के टेबल में भी सेव हो रही है, फीस के टेबल में भी हो रही है, एग्जाम के अंदर भी सेव हो रही है, जगह जगह स्टूडेंट का सारा नाम फादर नेम सेव हो रहा है, तो इसका मतलब डाटा की डुप्लीकेशन हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डाटाबेस किसी भी लिहाज से क्वालिटी की डाटाबेस नहीं है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर डाटा है फीस का और सेव हो रहा है जनाब एग्जाम वाले टेबल के अंदर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी जगह पर रिपीट हो रही है, एग्जाम का डाटा है तो फीस में जा रहा है, फीस का तो एग्जाम में जा रहा है, या इस तरीके से गड़बड़ हो रही है, चीज़ें जो रेलिवेंट हैं वो इररेलीवेंट डाटाबेस या टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसी खिचड़ी बनी हुई है तो फिर भी डाटाबेस क्वालिटी की नहीं है। तो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं जिनके तहत ये चेक किया जा सकता है कि जो आपकी डाटाबेस है वो क्वालिटी की है कि नहीं है। इसके अलावा कॉम्पोनेंट रीयूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज हैज इंक्रीजिंगली बिकम पॉपुलर अमंगस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आपको पता है कि ये कॉम्पोनेंट रीयूजबिलिटी है, ये सॉफ्टवेयर रीयूजबिलिटी बड़ा ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम सॉफ्टवेयर का जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसके कोड हैं उसके पार्ट्स हैं उनको एक दफ़ा बना के टेस्ट करके रख लेते हैं कंपाइल करके और उसको बार बार मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपने शुरू में आपको पता है कि लॉगिन पासवर्ड का जो सिस्टम है जिसको हम यूजर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम कहते हैं वो आपने एक दफा उसका कंपोनेंट बना के रख लिया, तो जब भी आपके पास कोई नई वेबसाइट बनाने के लिए आएगी बनने के लिए आएगी तो आप वही कंपोनेंट उठा के उसके अंदर एम्बेड कर देंगे, आपको वो यूजर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कंपोनेंट रीयूज है। या इसी तरीके से आप क्लासेस फंक्शन बना के रख लेते हैं, एक दफा कोड बना के कंपाइल करके चेक करके और उसको बार बार आप कॉल करते रहते हैं, बार बार रीयूज करते रहते हैं, तो इससे आपका एक तो डेवलपमेंट का टाइम बच जाता है, दूसरा आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कोड की वो भी बेहतर हो जाती है। अब जब आप पहले मरहले पे ये तमाम सिस्टम को समझ लेंगे, डेटाबेस को समझ लिया आपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका क्वालिटी, उसका डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है, उसका हायरार्की है सारी, वो सारी आपने समझ ली, तो फिर आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब कि जब आपने किसी सिस्टम को समझ लिया तो फिर आप उसको बेहतर बनाने वाला काम शुरू करेंगे, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को, बने हुए सिस्टम को एक दफा समझते हैं और फिर इसको बेहतर बनाते हैं। अब पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने जैसे उसको समझा है तो अब आप उसको फॉरवर्ड लेके चलेंगे या उसको मजीद बेहतर बनाएंगे, तो मजीद बेहतर बनाने का जो काम है वो तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल है। कॉन्सेप्चुअल फेज, जिसमें आपको पता है कि आप कंसीव करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है कि जनाब कोई भी चीज़ जो है या कोई मसला है उसका हल कैसे होगा, किसी भी टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो एक छोटी सी प्लानिंग होती है जो आपके माइंड में आती है कि किसी काम को मैं कैसे लेके चलूँ, उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ। तो कॉन्सेप्ट फेज के अंदर आप शुरू में थोड़ा सा स्टडी करते हैं चीज़ों को और एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जनाब कैसे वो चलेंगी आगे। फिर है लॉजिकल फेज। लॉजिकल फेज के अंदर क्या है कि आप उसको लॉजिकली इंप्लीमेंट करते हैं, उसका स्कीमा बनाएंगे, या आपको पता है कि जो डेटाबेस अगर आपने बनानी है तो उसका सारे पहले स्कीमा बनेगा, स्कीमा के बाद फिर उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो फिजिकल फेज के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, जिसमें डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के अंदर कि जिसमें आप बाकायदा क्वेरी की मदद से उसको या ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से डेटाबेस को बनाते हैं, ठीक है। पहले मरहले पे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की डेटाबेस की, उसके अंदर से तमाम चीज़ें ढूंढी, उसको एनालाइज किया, उसके बना पे फिर नया जो सिस्टम आपने डेवलप करना है उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, कंसीव किया, उसका स्कीमा बनेगा, स्कीमा बनने के बाद उसकी आप फिजिकल इंप्लीमेंटेशन कर देंगे, डेटाबेस बना देंगे जिसके अंदर नए फीचर शामिल होंगे। तो अगर आपने ये काम बकायदा रिटर्न फॉर्मेट में किया हुआ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो फिर आप कंपेयर भी कर पाएंगे कि जनाब पहले सिस्टम क्या था और अब क्या है, ठीक है। क्योंकि जब दो चीज़ें आपके पास होंगी
तभी आप कंपैरिजन कर पाते हैं, एक किसी एक ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर नहीं करते, उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही एफएससी का रिजल्ट कार्ड मौजूद है और कोई रिजल्ट कार्ड मौजूद नहीं है, या अभी मैट्रिक का है, तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास एफएससी और मैट्रिक के दो रिजल्ट कार्ड नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही रिजल्ट कार्ड है फिर भी आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, जायजा लेना चाहते हैं, फिर आप उसको एवेल्युएट करेंगे कि जनाब मैंने कितनी मेहनत की और उसके नतीजे में मेरा कितना रिजल्ट आया। ये अपनी एवेल्युएशन है बेसिकली। तो एवेल्युएशन और कंपैरिजन जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो अब रिवर्स इंजीनियरिंग का काम है, डाटा रिवर्स इंजीनियरिंग का, इसके दो स्टेप्स हैं जी। पहला है डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्चुलाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर को कंसीव करना, कॉन्सेप्ट उसका अपने माइंड में लेके आना। कि जब हमने पिछली साइड जो अभी हमने देखी है, इसके अंदर आपने बेसिकली जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो डेटाबेस थी, उसको आपने एनालाइज किया, उसको समझा, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, ठीक है। रिवर्स इंजीनियर के बाद फिर आपने आगे इंप्लीमेंट भी तो करना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको कंसेप्चुलाइज करेंगे, द कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम स्कीमा इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्ड एंड कंस्ट्रेंट्स आर रिकवर्ड इन दिस फेज। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस डेटाबेस के अंदर, वो तमाम आप रिकवर करते हैं, उसको कंसीव करते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस के अंदर जस्ट टेबल्स ही तो नहीं होती, ये भी हमने डिस्कस किया कि एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी हैं, उसके अंदर व्यूज हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हैं, इसके अलावा उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी कीज हैं, उसके रिलेशंस हैं, ये बहुत सारी चीजें डेटाबेस के अंदर मौजूद होती हैं जिनको समझना जरूरी है। तो जब तक आप उनको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तब तक आप नया सिस्टम कैसे प्रपोज कर सकते हैं। इन जनरल डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्कीमा इन सम मशीन प्रोसेसेबल फॉर्म। इस सिस्टम इस फेज के अंदर आप कुछ कंक्रीट किस्म का डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर से रिट्रीव करते हैं, ठीक है, और रिट्रीव करने के बाद उसको फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। जिससे आपने कोई डेटाबेस अंडरस्टैंड की तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं। अब जो बैकअप है वो मिसाल के तौर पर डेटाबेस का भी हो सकता है, और जो उसकी जो स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से डेटाबेस बनता है वो भी हो सकता है। कि आपने मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस कहीं से उठा के कहीं और उसी तरीके जनरेट करनी है तो आप उसका बैकअप ले लेंगे और उस फाइल को कहीं भी और रन करेंगे तो वो जनाब उस डेटाबेस को डेटाबेस समेत नई जगह पे क्रिएट कर देगा। तो आपको नई जगह पे किसी और सिस्टम पे वो डेटाबेस जो है वो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी ने एसक्यूएल सर्वर पे काम किया हो, तो बंदा है जिसने एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाई हो, क्यों जी, कोई बंदा जिसको एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाने का शर्फ हासिल हो, मुनीब ने माइक ऑन किया था शायद, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं मुनीब, आवाज नहीं आई। सर इसकी आवाज आ रही है, बहुत तेज है अभी, इसकी आवाज हल्की सी आई थी मुझे ना। माज एसक्यूएल सर्वर यूज किया कभी? सर एसक्यूएल सर्वर नहीं सर, मैंने नहीं यूज किया। असल में मेरा काम ना वो दूसरे सर्वर पे होता है। कौन से सर्वर पे? सर जो अवेलेबल हो। मोहम्मद सर्वर? यस सर। एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ा कॉमनली यूज होता है डेटाबेस के अंदर, और आमतौर पे जो डेटाबेस इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पे आया जाता है उसमें इसकी जो टेक्निकल वर्क है उसके अंदर करवाया जाता है। तो अगर आपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक डेटाबेस बना ली तो डेफिनेटली उसकी सिस्टम के ऊपर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर माज ने अपने सिस्टम पे एक डेटाबेस बनाई और हसीब चाहे कि मैं अपने सिस्टम पे दोबारा बनाने की बजाय, आपको पता है जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें सारी टेबल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसके अंदर एक एक फील्ड लिख के ऐड करनी पड़ती है, उसके रिलेशन बनाने पड़ते हैं, वो सारी कहानी करनी पड़ती है। तो अगर हसीब चाहे कि जनाब मैं वो डेटाबेस दोबारा ना बनाऊं, यही कॉपी करके फाइल में ले जाऊं। जी मुनीब कुछ कह रहे हो? सर आवाज नहीं आ रही मेरी। सर आवाज बहुत कम आ रही है।
सर मैं बोलने लगा था कुछ। बोलो बोलो सर। वो आपने क्या पूछा था SQL का? मैं पूछा था कि SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाने का कभी मौका मिला? जी सर। अगर मैंने सर भारी आवाज से जी सर अब सही आवाज आ रही है। मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि माज ने एक डेटाबेस बनाई, ठीक है। वो जब आप SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाते हैं तो आपके सिस्टम पे वो फाइल स्टोर होती है, ठीक है, आप जो भी नाम आप देना चाहें। तो अगर हसीब चाहे कि जनाब मैं उस फाइल को कॉपी करके अपने सिस्टम पे पेस्ट कर लूं और उसको चला लूं तो वो फाइल नहीं चलेगी। जैसे हम वर्ड वगैरह की फाइल की कॉपी करते हैं कि एक मैंने CV बनाई उसकी कॉपी करके दूसरी बार पेस्ट कर लूं किसी और फोल्डर के अंदर, उसको खोलूंगा तो खुल जाएगी, वो बिल्कुल चलेगी। लेकिन या सॉन्ग है या ऐसी फाइल्स हैं वो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो वैसे चलती हैं जैसे ओरिजिनल फाइल चलती थी। लेकिन अगर SQL सर्वर के अंदर आपने बनाई है तो कॉपी पेस्ट करने से वो डेटाबेस नहीं चलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको बकायदा उसको इंपोर्ट या रीस्टोर करना पड़ता है कि बकायदा एक तरीके से आप उसको बैकअप उसका क्रिएट करते हैं फाइल का SQL सर्वर के अंदर, और एक फाइल क्रिएट होती है और आप उसको दूसरे का लेके उसको दोबारा रीस्टोर करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो तब वो डेटाबेस बनती है। अदरवाइज आप डबल क्लिक कर उसको कर लें कॉपी पेस्ट करके तो डबल क्लिक करने से वो डेटाबेस दोबारा नहीं खुलेगी, ठीक है। तो ये तब ही आप जान पाएंगे जब आपने ये काम किया है, ठीक है। तो मैं ये हम कॉन्सेप्चुलाइज की बात कर रहे थे कि एक DBA जो है उसके बहुत सारे टास्क होते हैं। जब तक आप एक किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर को एक डेटाबेस का जो इंटरनल वर्किंग है उसको आप समझते नहीं हैं तब तक आप उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन या बेहतरी कैसे ला सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जो उसका जो भी टेक्स्ट है जो उसकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसकी मदद से आपने डेटाबेस को डिफाइन किया है उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद है जी किसी को जो आप क्वेरीज लिखते थे डेटाबेस के अंदर वो कितनी किस्म की होती थी? किसी बंदे को याद है? डिफरेंट तरह के आप क्वेरीज लिखते थे, उन क्वेरीज को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है या उनकी टाइप्स क्या क्या थी? कोई आइडिया नहीं? तो तीन चार नाम तो आपने सुने ही होंगे, DDL, DML, इस तरीके से डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इस तरीके से। बहरहाल इसके लिए जो प्रोसीजर है कॉन्सेप्चुलाइजेशन का या उसके स्टेप्स हैं कि आप उन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं जिनकी मदद से डेटाबेस बनती है, ठीक है। एक तो आप SQL सर्वर के अंदर आपको याद होगा जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आप सिंपल क्लिक करते हैं जहाँ डेटाबेस बनती है। दूसरा आप क्वेरी की मदद से भी वही डेटाबेस बना सकते हैं जो कि डेटा को बेसिकली डिफाइन करती हैं कि आप क्रिएट डेटाबेस के नाम से कमांड्स हैं या क्रिएट टेबल, इस तरीके से डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप एक एक फील्ड एक एक टेबल उसका रिलेशन बना सकते हैं क्वेरी की मदद से। लेकिन क्वेरी को याद रखना क्योंकि मुश्किल होता है इसलिए फिर जो अब SQL सर्वर या एक्सेस जैसा के जो टूल्स हैं उनमें जस्ट आप क्लिक माउस के क्लिक से ही पूरी डेटाबेस जो है वो बना लेते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम को एनालाइज करना, उस डेटाबेस को एनालाइज करना कि वो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसका क्या है, उसके अंदर डाटा जो है उसको एनालाइज करना कि डाटा किस तरह का स्टोर है हर सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि डाटा की बहुत सारी टाइप्स हैं। हर डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह का डाटा स्टोर करती हैं, कुछ नंबर्स के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, पिक्चर हो सकती हैं या बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, क्योंकि तमाम किस्म का डाटा जो किसी भी एंटिटी के रेलेवेंट है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकता है। और किसी एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मिसाल के तौर पे उसकी आवाज भी हो सकती है, उसकी वीडियो हो सकती है, उसका जो पर्सनल बायोग्राफी है वो हो सकती है, उसकी CV हो सकती है जो कि फाइल PDF या वर्ड के फॉर्मेट में हो, तो हर किस्म की चीज जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा स्कीमा इंटीग्रेशन के जो भी स्कीमा आपने बनाया है या डिफरेंट स्कीमास को अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है कि एक डेटाबेस के अंदर जो एक डेटाबेस आमतौर पर एक स्कीमा पे मुश्किल है लेकिन डिफरेंट स्कीमास को इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 1000 डेटाबेस आपके पास हैं और उनको आपने इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, तब जाके आपका ख्याल है कि एक नया जो इम्प्रूव वर्जन है वो बन सकेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उन स्कीमास का जो स्ट्रक्चर है वो आइडिया होना चाहिए।
दूसरा ये डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद जनाब हम फिर उसको एक्चुअली कैसे एक सेकंड जरा जो उसको जो इम्प्लीमेंट करने का पार्ट है कि जनाब उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए जब आपने कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया तो फिर आप उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब कि उसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं जिस फॉर्मेट के तहत आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि जस्ट डाटा एज इट इज उठा के आप उसकी डाटाबेस नहीं बनाते। ये आपको भी पता है कि जस्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने बनाना है तो उसकी डाटाबेस जो डेली लाइफ में इंफॉर्मेशन मौजूद है आप ऐसे ही एज इट इज डाटा को यूज नहीं करते, बल्कि उसको गुणों को प्रोसेस करते हैं। जैसे मैंने पहले भी शायद आपको जिक्र किया कि कोई भी एंटिटी है उसके अपने इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, इसके डिफरेंट अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपने डाटाबेस के अंदर यूज करना है। अब एक एंटिटी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन तमाम की तमाम अपनी डेटाबेस के अंदर आप सेव नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ठीक है, या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आमतौर पे आप किसी भी डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन उस स्टूडेंट की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन वो आप नहीं यूज करते। वो क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की हाइट, उसका वेट, उसका मिसाल के तौर पर हेयर कलर या उसका आईज का कलर, ठीक है, या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये भी तो उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ही है, वो आप क्यों नहीं सेव करते? या एक स्टूडेंट जो है वो पर आर कितने किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, ठीक है, या इस तरह की जो और भी इन्फॉर्मेशन है, या भाई ये भी तो उस एंटिटी की ही करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो आप यूज नहीं करते उस डेटाबेस के अंदर। ये क्या वजह है? अभी मास को आइडिया है? सर वो उसको मतलब उसके लिए बनी नहीं होंगी। किसके लिए नहीं बनी होंगी? जिसके लिए हम यूज करते हैं, मतलब वो उसके लिए कुछ और स्पेसिफिक होगा। कहने का मतलब शायद ये है कि ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं उस एंटिटी की जिसकी हमें उस सिस्टम के लिए जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाने को मिल जाए जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाए। मिसाल के तौर पर कोई फैशन इंडस्ट्री का या ऐसा कोई कोई 3D कोई मॉडलिंग का या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मैं बनाऊं तो उसमें हो सकता है मुझे इस तरह की जरूरत पड़ जाए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन की। एक ह्यूमन है, एक स्टूडेंट है या एक कस्टमर है, उसका जनाब उसके शोल्डर की जो है वो विड्थ कितनी है, ठीक है, या उसका कलर कम्प्लेक्शन क्या है, उसके लिए मैं डिफरेंट डाटा उसके अंदर फीड करूँ और उसकी बना पर मुझे कोई सजेस्ट करे, कोई ड्रेस सजेस्ट करे या कोई मेकअप का कोई स्कीम जो है वो सजेस्ट करे सॉफ्टवेयर। तो अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर है तो फिर मुझे उसके पर्सनल उसका एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होगा, बल्कि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये ज्यादा काम की चीज होगी, ठीक है। तो जो कोई भी एंटिटी है उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए किसी सिस्टम के लिए यूज करते हैं वो उस सिस्टम के अंदर एट्रीब्यूट कहलाते हैं उसके उस एंटिटी के। तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, सारी करेक्टरिस्टिक्स यूज नहीं करते। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है कि जिसमें आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ उसको स्टोर करते हैं, इररेलेवेंट